नसीर साहब से ये जो एनजीओ के कमेटी के जो चीफ है उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इन लोगों को थोड़ा आगे पीछे किया जाए। तो यहाँ पर हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के जितने भी ये यहाँ पर अखाड़े में लोग हैं, चलते फिरते रहिए और जितनी कम भीड़ हो उतना अच्छा। अच्छी यहाँ पे पकड़ बनाई है, लेकिन अखाड़ा छोड़ के बाहर नहीं जाना है, अखाड़े के बीच में लड़ना है। दोनों पहलवानों से ये गुजारिश है अखाड़े में आके लड़े और अनुशासन के साथ लड़े, और लोगों से ये है कि शांति बनाए रखें और इस कुश्ती का आनंद लें। दोनों नामी पहलवान जो अखाड़े में एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हुए देखना कौन किस पर कितना भारी है, ये तो समय बताएगा। लेकिन साइड में साइड साइड में अच्छी कोशिश यहाँ पे, जवा दिल है तो थोड़ी मनमानी करेगा, इश्क करके रोएगा फिर नादानी करेगा, थोड़ा गुरूर हर कोई अपनी जवानी पर करेगा, गर्ज कर होगा फौलादी तो पहलवानी करेगा। सुभाष शर्मा जो कि उनके साथ तिलकराज जी और साथ में हक्सर, बहुत ही अच्छे रेफरी। पिछले सुभाष सर का यहाँ पे कैरियर देखा जाए तो काफी सीनियर टीचर हैं, काफी लंबा अनुभव है उनके पास और इस वर्ष भी वो इस कुश्ती में रेफरी की भूमिका निभाते हुए फिलहाल रेफरियों से निवेदन है कि इनको सीमित समय दिया जाए, नियमित समय दिया जाए ताकि लोग हाथा पाई नहीं प्यार से। कुश्ती जो है ये प्यार और मोहब्बत का प्रतीक है, हाथा पाई नहीं करनी है, आराम से लड़ना है। एक अच्छी कोशिश यहाँ पे और ये पकड़ बनाई लेकर नाकाम रहे, अच्छी पकड़ बनाई है यहाँ पे जैकी जॉब लेकर फिर से नाकाम रहे, देखना है कितने समय तक इस मैच को लेकर जाते हैं। अच्छी कोशिश यहाँ पे, दोनों पहलवानों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, जनता जो है वो तालियों के साथ इनका अभिनंदन करे, तालियों के साथ सीढ़ियों के साथ, काफी अच्छी कुश्ती देखने को मिल रही है। ये मैच चल रहा है, अच्छा मैच चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड है कि मुराद अली और थापा का मैच हो जाए, तो आप लोगों के पास हमारे लड़के आ रहे हैं, उनकी जो है मदद कीजिए दिल खोलकर। और हमारे एडवोकेट माजिद मलिक साहब ने इस कुश्ती पर जो है जो थापा की और मुराद अली की होगी उस पर 2,000 रुपये उनकी तरफ से। तो आप लोगों से भी गुजारिश है जितना ज्यादा हो सके इस मैच को कामयाब बनाए, क्योंकि ये पब्लिक चॉइस पे मैच हो रहा है थापा वर्सेज मुराद अली। हफीज वर्सेस निसार का मुकाबला आप देख रहे हैं, इसको खीजा भी कहा जाता है। खिजा बिलावर वर्सेस निसार का मुकाबला आप देख रहे हैं जो सेमीफाइनल है पहला बड़ी माली के लिए। इसके बाद जो है दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे नजर में शाह साहब भी आ गए, इनका भी खैर मकदम है इस जंगल में। आमिर इकबाल साहब जो मीडिया कर्मी है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उनका भी खैर मकदम है। ताहिर नदीम खान साहब डीडी न्यूज से, राजा रहबर जमाल जी मीडिया से, कामरान खान के ऑफिशियल से, सायर हुसैन न्यूज 18 से, रफायत गनाई जेके अपडेट से यहाँ पर आए हुए हैं, सबका खैर मकदम है। और इस दंगल को आप लाइव देख रहे हैं नासिर केश ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। तो ये बड़ी माली का पहला सेमीफाइनल, इस मुकाबले का नतीजा आना बहुत जरूरी है, वक्त का ख्याल रखें दोनों पहलवान। और ये मुकाबला जो है किसी भी कीमत पर बराबरी पर खत्म नहीं होना चाहे।
बड़े बुजुर्गों की बातों का रखते हैं बड़ा मान, बड़े बुजुर्गों की बातों का रखते हैं बड़ा मान। सुन छोरे, खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। अच्छी कुश्ती दोनों पहलवानों के बीच होती हुई, देखना कितने समय में इस कुश्ती का अंत होता है, अभी देखना बाकी। फिलहाल अच्छी पकड़ यहाँ पे फीचे द्वारा, और ये एक पकड़ बनाई है, लेकिन देखना है का। और पटकना चाहते हैं ग्राउंड में, और ये पटक दिया यहाँ पे निसार को, पटक दिया है फीचा ने। देखते हैं फीचा निसार पर कितना भारी होते हैं, उस निसार पर जिसने 10 साल में भद्रों में तहलका मचा रखा है। फिलहाल पटक दिया है फीचा ने, फीचा बिलोर बिलावर से। बहुत ही अच्छे पहलवान है, छोटी उम्र के पहलवान है, और जिनके साथ लड़ रहे हैं वो नामी पहलवान है हमारे भद्रवा के, भनेसा के। बात देनी पड़ेगी फीचा की, अपनी अच्छी पकड़ बनाते हुए, देखना है कितने समय में इस कुश्ती का अंत करते हैं। फिलहाल अच्छी पकड़ बनाते हुए यहाँ पे मेंढक दाव लगा दिया है, मेंढक दाव पे फंसा दिया यहाँ पे निसार को। अच्छी पकड़ बना दी है, ऐसा लग रहा है कि निसार थक गए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, फिर भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, कुश्ती के बहुत बड़े प्लेयर हैं। और दोनों खुशी की बात है कि दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए, दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी। बहुत ही अच्छी कुश्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है, पैसा वसूल हो रहा है भद्रवाहियों का। बिल्कुल कम से कम इस मैच का आनंद उठा रहे, कम से कम 20-30 हजार दर्शक भद्रवाही इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे उठा दिया है मेंढक दाव, यहाँ पे कैंची छाप लगाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब हुए। हल्के में नहीं लेना है फीचा ने निसार को, क्योंकि जाने माने रेसलर हैं हमारे भद्रवा भलेसा के। बहुत ही अच्छा मैच दोनों के बीच में चल रहा है, रेफरी द्वारा यहाँ पे अक्सर से निवेदन है, अक्सर प्लीज इनका समय जो है वो बता दें, कितने समय में ये लड़ना है। मैंने 10 मिनट इसका नतीजा आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर, शुक्रिया। तो इसके बाद जो है देव थापा तैयार रहेगा, थापा वर्सेस साजन, स्पेशल छोटी माली कराई जा रही है, उसका सेमीफाइनल जो है थापा और साजन के बीच खेला जाएगा। तो थापा और साजन दोनों पहलवान तैयार रहिए, अखाड़े की सलामी लीजिए। तो अभी जो है निसार वर्सेस हफीज, आप देख रहे हैं दोनों तगड़े पहलवान। इस मैच का जो है डिसीजन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका डिसीजन आएगा तो बड़ी माली का जो है वो देखना पड़ेगा वो कैसे होगी। तो अभी जो है मुराद अली और थापा की कुश्ती भी आधी ही रह गई है, मुझे लगता है कि उन दोनों में थोड़ी सी एनर्जी आई होगी, तो उनको फिर से जो है इस मैच के बाद अखाड़े में लाया जाएगा। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक तो ये मुकाबला जो है बराबरी पर खत्म हो गया है।
नदीम पहलवान के लिए जनता जोरदार तालियां। थापा से गुजारिश है जहाँ कहीं पी है वो ग्राउंड में आ जाए। भदवा पुलिस के जवानों से निवेदन किया जाता है फिर से थापा को अखाड़े में लेके आए जिस प्रकार उन्हें किसी बार लेके